महीप की वजह से जहान की माँ हुई पैनिक। क्या इलाही और जहान की शादी का सच लाएगी महीप सामने? कल इस टीवी शो जुनूनियत के एपिसोड में जैसा कि हमने देखा कि महीप इलाही को धक्का दे देती है और इलाही 3 स्टेप से नीचे गिर जाती है। इलाही को चोट लग जाती है लेकिन इलाही उठती है, अपने सारे सामान को समेटती है और महीप को धमकी देकर बोलती है कि आप और आपका बेटा जितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन ये डिवोर्स तो मैं लेकर ही रहूंगी। वही यहाँ पर पॉइंट ये है कि अचानक महीप को क्या हो गया कि वो इलाही को धक्का दे दी। महीप पागल तो नहीं हो गई है कि अचानक वो ऐसी चीजें करेगी? अब इलाही को धक्का देने के पीछे महीप की एक साजिश है। महीप इलाही के पर्स में एक बिच्छू रखना चाहती है। अब होता कुछ यूं है कि रात में महीप जहान की माँ को ये बता देती है कि इलाही अपने रूम में नहीं है। जहान की माँ पैनिक होने लगती है, पूरे घर में इलाही को ढूंढती है और सबसे पूछती है कि आखिर अचानक इलाही ऐसे गायब कैसे हो गई। जहान इलाही को कॉल करता है, पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है लेकिन इलाही अपने फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाएगी क्योंकि इलाही का फ़ोन इलाही के बैग में है और इलाही के बैग में है बिच्छू। तो अब इलाही फ़ोन रिसीव नहीं कर पाएगी और आधी रात में इलाही के नहीं होने की वजह से जहान की माँ पैनिक करने लगती है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या जहान और इलाही मिलकर इस बात को संभाल लेंगे। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और साथ ही टेलीविज़न से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।